कहाँ से आए हैं? पिशावर से आए। पिशावर से जलसे में आए? सिर्फ जलसे के लिए आए। क्या वजह है इतनी दूर से आप लाहौर आ गए हैं जलसे में? हमें इमरान खान पसंद है। हाँ। हमारी जान है उस पे कुर्बान है। अच्छा। हाँ, वो पाकिस्तान की आन है और शान है। ठीक है। हाँ। अच्छा ये बताएं कि अभी जलसे में आपने आके क्या देखा है, आप क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इसको आप गिरा लेंगे इंशाल्लाह? अच्छा, किस तरह गिराएंगे बताएं जरा। तो ये सबसे बड़ी ताकत अवाम की होती है, आप ये अवाम देख रहे हैं, सबका जोश व खरोश, ये सबका ये पुरहजूम जी। हाँ, तो हम भी इसीलिए आए हैं ताकि इमरान खान का जलसा कामयाब हो, और हम इंशाल्लाह हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। हम सब आज़ाद है, अल्लाह ने हमें आज़ाद बनाया है, तो हम किसी की वजह से गुलाम नहीं बनेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं वजीरिस्तान से आया हूँ। वजीरिस्तान से जलसे के लिए आए हैं आप? जलसे के लिए आए। अच्छा। हम शुरू से नॉन लीग के थे। अच्छा। लेकिन जब से ये काम देखा ना हमने, इंशाल्लाह कसम खाई है। हाँ। कि नॉन लीग को वोट नहीं देंगे और पीटीआई को देंगे। अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। ये पूरे मुल्क के पूरे इस्लाम की जीत है, ये अमेरिका की जीत नहीं, ये पूरे इस्लाम की और पूरे मुसलमानों की जीत है। अल्लाह पाक इसको कामयाब करे, हम तो बस यही कह सकते हैं। अच्छा ये बताएं किस काम की बात कर रहे हैं कि आपने नून लीग को छोड़कर पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की है? इसमें गैरत है। अच्छा। इसमें गैरत है। वो बड़े हमारे कहते हैं ना कि अगर आपके आगे कोई सरबरा गैरतमंद हो, पीछे गिदड़ भी हो ना, फिर भी गुजारा हो जाता है। ये हमारा सरबरा शेर है, और पीछे हम गिदड़ भी हो है ना, तो इंशाल्लाह हम शेर, ये सब शेर खड़े हैं, ये सब इंशाल्लाह ताला के कान के खड़े हैं। अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। जिंदाबाद मरियम का बाबा, जिंदाबाद चोर है, जिंदाबाद चोर है, मरियम का बाबा चोर है। आज ये बताएं आजादी या गुलामी? आजादी चाहिए, आजादी। अच्छा, बिरयानी खाई है इधर आके? नहीं, क्यों? चीज नहीं खाई। अपने खाना खा के आए। मैं वजीरिस्तान से आया हूँ। अच्छा। और अपने खर्चे से आया हूँ। ये पानी की बोतल भी मैं अपने खर्चे से लिया, रोजा रख के आया हूँ। अच्छा। वहाँ पे ये पिछले दिनों में फिर ड्रोन हमला हुआ था। हाँ। वहाँ पे कितने लोग शहीद हुए हैं। हाँ। जो लोगों को सदका देते थे ना, ये नून लीग की हुकूमत में आके ना ये लोगों से सदका ले रहे और जकात ले रहे, ऐसे हालात बने थे वहाँ पे। जब से ये 3-3.5 साल में अल्लाह का शुक्र है सब सिर उठा के जी रहे हैं और सब लोग खुश हैं। लेकिन अभी ये गेम खेली है, ये गेम की वजह से फिर ये मसला बना हुआ है। इमरान खान की नजर शेर है कि तेरे नाल लाइए ते तोड़ निभावांगे, तेरे नाल लाइए ते तोड़ निभावांगे। कप्तान साहब कोई भी मुश्किल वक्त आया तेरे नाल खलोवांगे, तेरे नाल खलोवांगे। आ डीजल साहब वास्ते है कि जिंदगी चाहना सुख ते निक्की जी बना ला हुक। शबाज शरीफ ए कुर्सी जानी तुहाडे कोलों खुश, जरदारी ने देना तेरे मुंह दे उत्ते थुक। डीजल साहब तुहाडा काम है जेड़ी हुकूमत जीते, चुक ते चुक, चुक ते चुक। जो बेड़ा गरक किया वो 3 साल में कैसे सही हो सकता है? इन्होंने 35 साल के अंदर जो इस मुल्क का बेड़ा गरक किया, 90 की दिहाई से लेके अभी तक, इमरान खान को तो 3 साल हुकूमत मिली है सिर्फ।